विश्वामित्र जी महाराज को कहे मोरे प्राण नाथ सुत दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण दोनों को आज सौंप दिया विश्वामित्र जी के हाथ में। कहा ये मेरा मोह था कि मैं आज अपने को पिता मानता था, लेकिन सत्य तो ये है कि राम पर पहला अधिकार यदि है तो वो संतों का अधिकार है, क्योंकि संतों ने ही यज्ञ के माध्यम से राम को प्रकट किया है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाएं, कृपा करके आप ले जाएं, ले जाएं। एक बात और सुन लो, अगर संतों के हाथ में आप अपनी संतान को सौंपते हो तो ईमानदारी से बताओ संतान का विकास होगा कि नहीं होगा। एक बात और सुन लेना मेरी ध्यान से, यदि आप अपनी संतान को किसी व्यापार के व्यापार में सौंपते हो, किसी व्यापार में लगाते हो, संतान के हाथ में व्यापार सौंपते हो, रोजगार सौंपते हो, तो निश्चित रूप से संतान विकास करेगी। बोलो करेगी विकास कि नहीं? तो विकास होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विकास तो दुनिया करती ही रहती है। अरे व्यापार रोजगार यदि आपने संतान के हाथ में सौंपा तो वो विकास होगा, लेकिन यदि आपने अपनी संतान का हाथ संतों के हाथ में सौंप दिया तो संतान का प्रकाश होगा, सारे संसार में प्रकाश होगा, सारी दुनिया जानेगी। इसलिए संतों के हाथ में जरूर संतान को सौंपो। सत्संग का बहुत बड़ा असर होता है, संतों के द्वारा संस्कार मिलता है, इसलिए आप अपनी संतान को संतों से जोड़िए, अपने परिवार को संतों से जोड़िए, आप स्वयं संतों से जुड़िए, आप स्वयं जुड़िए, परिवार को जोड़िए, संतान को जोड़िए। आज दशरथ जी महाराज स्वयं जुड़ गए संतों से, दशरथ जी ने संतान को भी संतों से जोड़ दिया। अच्छा, जब संतों से संतान जुड़ गई तो बोलो यज्ञ की भी रक्षा हो गई और जानकी जी भी मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं सीता जी? मैं कहता हूँ सीता जी यज्ञ के माध्यम से ही मिली हैं। राम जी अगर यज्ञ से प्रकट हुए हैं तो याद रखना सीता जी भी यज्ञ के माध्यम से ही राम जी को मिली। आप कहो महाराज सीता जी यज्ञ के माध्यम से कैसे मिली? अगर राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ ना जाते बक्सर सिद्धाश्रम में, तो याद रखना क्या विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर ले जाते राम जी को? बोलो। और राम जी को विश्वामित्र जी अगर जनकपुर ना ले जाते तो राम जी का विवाह होता क्या? माध्यम कौन बना? राम जी के जन्म में भी माध्यम संत है और राम जी के विवाह में भी माध्यम संत है। बोलो संत है कि नहीं? विवाह भी कराया तो किसने कराया? विश्वामित्र जी महाराज ने। बड़ी उत्तम बात, जैसे ही आगे विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि राम जी मेरी तरफ आ रहे हैं, लक्ष्मण मेरी तरफ आ रहे हैं, तो विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों को हृदय से लगा लिया, राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया। किसी ने कहा कि हृदय से आपने लगाया, अनुभव क्या किया? विश्वामित्र जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मुझे महानिधि मिल गई। देखो भैया, धन मिल जाता है तो ये निधि है, लेकिन यदि परमात्मा मिल जाए तो ये महानिधि है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, हम संतों को अनुभव होता है कि महानिधि मिल गई। एक राजा होता है, उसे निधि मिलती है, जब निधि मिल जाती है तो वो राजा हो जाता है, लेकिन जब परमात्मा मिल जाता है तो वो महाराजा हो जाता है प्यारे। इसलिए साधु संतों को महाराजा कहा जाता है। क्यों भाई कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी निधि महानिधि के रूप में है तो भगवान हैं, भगवान। अच्छा, मीराबाई ने पूरा राज खजाना छोड़ा था,
बोलो छोड़ा था कि नहीं। राज खजाना छोड़ करके मीराबाई आई और जैसे ही भगवान मिल गए तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई भी ये महसूस कर रही है कि राम रतन से बड़ा धन कोई दूसरा है नहीं, राम रतन धन सबसे बड़ा धन है। तो आज विश्वामित्र जी को कौन सा धन मिला, जल्दी बोलो, राम रतन धन। विश्वामित्र जी को राम रतन धन मिला। और जैसे ही राम जी को लेकर के चले तो किसी ने कहा, सुनो सुनो, रुको रुको, क्या क्या ये महानिधि मिल गई है, लेकिन महानिधि की रक्षा कर पाओगे? कहीं लुटेरे आगे चल करके लूट ले तब क्या करोगे? विश्वामित्र जी बोले, हम सावधान रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हमारी महानिधि को कोई लूट नहीं सकता है। और याद रखना, राम हमारे हृदय में आ जाएं तो ये लुटेरे प्रवेश कर पाएंगे क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बोलो, राम यदि हमारे साथ हैं तो ये लुटेरे जितने हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लूट नहीं पाएंगे। और यदि राम हमसे दूर हो जाएंगे तो बोलो ये लुटेरे लूट लेंगे कि नहीं लूट लेंगे? तो आज विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें लुटेरे लूट ही नहीं सकते क्योंकि राम मेरे साथ है, कोई मेरे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकता है क्योंकि राम मेरे साथ है। और आज मैं निश्चिंतता पूर्वक यज्ञ को संपन्न करूंगा क्योंकि राम मेरे साथ है। इसलिए राम का भरोसा, राम पर विश्वास मुझे हो गया है, इसलिए आज मैं राम को महानिधि के रूप में